अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ और सूजी का हलवा। गुड़ और सूजी का हलवा बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, सूजी मैंने ली है 1 बाउल, गुड़ भी मैंने 1 बाउल लिया है, घी तकरीबन 1 बाउल ली है। इसमें हलवा बनाने के लिए हमें सूजी और गुड़ एक एक ही क्वांटिटी का, इक्वल क्वांटिटी का चाहिए होगा। इसके साथ में मैंने किशमिश ली है, नारियल बारीक कटा हुआ, बादाम और साथ में 6 से 7 इलायची हमें चाहिए। हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैंने पानी डाल के गरम कर लिया है और ये पानी मैंने 2 गिलास लिया है। इसमें हम ये गुड़ डाल के इसका शीरा बनाएंगे अच्छी तरह से। इसको साथ में हिलाते रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। गुड़ मेल्ट हो रहा है, इसको साथ में चम्मच को हिलाते जाएंगे। गुड़ का शीरा बन चुका है, फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे। अब हम सबसे पहले घी डालेंगे कढ़ाई में। इसको अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम घी को मेल्ट करेंगे। घी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और अब इसमें सूजी डाल के इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। दरमियानी आंच पर इसको हम सूजी को अच्छी तरह से भूनेंगे। अब इसके साथ ही हम इसमें इलायची भी डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। सूजी को तब तक भूनना है जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी कि सूजी अच्छी तरह हमारी भून चुकी है। सूजी हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी है, 4 से 5 मिनट का टाइम लगा है इसमें। और अब हम इसमें शीरा ऐड करेंगे। शीरा हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, पहले हाफ ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब जो हमारा बाकी का रिमेनिंग रह गया शीरा वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
चम्मच इसमें मुस्तकिल हिलाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब सूजी आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है शीरे में और ये अब गाढ़ा होता जा रहा है। इस पॉइंट पे हम इसमें खोपरा ऐड कर देंगे। किशमिश और बादाम। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसको कवर करके 2 मिनट तक बिल्कुल स्लो आंच पे पकाएंगे। दो मिनट हो चुके हैं और ये हलवा हमारा रेडी हो चुका है। फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। सूजी और गुड़ का हलवा रेडी हो चुका है और इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।